प्यारी सत्संग जी, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, जय जय रखै आप तै जाए खड़ोवना। जिस तरह उस प्रभु नूं चंगा लगता है, उवें ही साड़ी लाइफ विच इस दुनिया उत्ते होंदा है। जिवें उहदा हुक्म होवे, हुक्म है अंदर सब को, सब कुछ उहदे हुक्म विच है। सारी सृष्टि उहदे हुक्म विच चल रही है। पत्ता पत्ता भी उहदे हुक्म विच हिल रहा है। उहदे हुक्म तो बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। जय जय रखै आप तै जाए खड़ोवना, जिथे वो रखता है उत्थे सानू खड़ना पैंदा है, सानू रहना पैंदा है जिथे वो रखे। ते सतगुरु जी समझांदे हन, बाणी दा ही प्रमाण है, जो आया सो चल सही, सब कोई आई वारी है। कहते जो जमया है उन्हें एक ना एक दिन मरना है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। भावें पहाड़ ने, भावें दरख्त है, भावें कोई भी वस्तु है, उसकी कोई ना कोई मुनियाद है, कोई ना कोई हर एक दी उम्र है। जो जमया है एक ना एक दिन उन्हें मरना ही मरना है, ये सच है। ते बाणी कहती है, खाना पीना हसना सोना ये सारे काम याद ने, विसर गया है मरना, विसर गया है सानू मरना, भुल गया है। एक ना एक दिन इस दुनिया तो जाना है, ये विसार दिता है। ते सतगुरु जी कहते, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सानू समझा रहे ने, कहिंदे आ मेरे कोल आ, मैं तेनूं दसां इस दुनिया तो किड्डे किड्डे वड्डे लोक चले गए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सानू उपदेश कर रहे हैं, कहिंदे आ मेरे कोल, मैं तेनूं दसां इस दुनिया तो किड्डे किड्डे लोक चले गए। की समझा रहे ने, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते हैं, जीव याद रख, राम वर्गे रावण वर्गे, रावण जेदा सवा लख, एक लख पोतरा ते सवा लख रिश्तेदार सी, उहदी कुल विच कोई दीवा जगाण वाला भी नहीं रहा। सारी लंका सोने दी सी उहदी, रावण दी। ते कहिंदे उहदे वर्गे महाबली भी इस दुनिया तो चले गए। राम गयो रावण गयो जां को बो परवार, कहिंदे सारे चले गए। ते अगे की समझांदे हन, कहिंदे जदों मौत दरवाजा खड़काउंदी है ना, उहदे अगे किसे दा जोर नहीं जे चलदा। जदों मौत दरवाजा खड़काउंदी है, सतगुरु जी समझांदे हन, कहिंदे बारे बूढ़े धरने वहिया सब हूं जम लै जई है रे। कहिंदे मौत ये थोड़ी वेखदी आ वी ये नौजवान है जां ये बच्चा है ते तरस करा, जां ये बजुर्ग है। बारे बूढ़े धरने भैया सब हूँ जम लै जइया रे, राजा परजा सम कर मारे ऐसो काल बडानी रे। भावें कोई राजा होवे दुनिया दा, भावें कोई भिखारी होवे, भावें कोई नौजवान है, भावें कोई बुजुर्ग है, भावें कोई छोटा जिहा बच्चा है, ये मौत किसे दा लिहाज नहीं करदी। आखो सतनाम श्री। एक माँ जिहदा इको एक पुत्तर है, वह अकाल चलाना कर गया, छोटा जिहा बच्चा है, अकाल चलाना कर गया, उहदे गम दे विच ऐसी रो रो के कमली हो गई, उहनूं हत्थां विच लै के फिरदी है। इहदी इह कित्थों ठीक होवेगा, कित्थों ठीक होवेगा, पर किवें समझाइए वी इह ते एक्सपायर हो गया है, अकाल चलाना कर गया। पर माँ कहिंदी नहीं, इह ठीक होवेगा, रो रो के कमली हो गई आ उहदे गम दे विच। महात्मा बुद्ध जी दे कोल गई,
महात्मा बुद्ध जी दे कोल गई जाके कहंदी महात्मा जी मेरे बच्चे नूं ठीक करो। महात्मा जी कहंदे ठीक हो सकता है। माँ खुश होई कहंदे पिंड विच जा ते एक मुठ एक बुक सरों दी लै के आ, सरों एक बुक सरों दी लै के आ पिंड दे विचों, ते जिहदे लई फिर इहदे लई आपां दवाई तैयार करांगे, कोई मैडिसिन तैयार करनी है, ठीक हो जाएगा। माँ खुश होई वी मेरा बच्चा जिउंदा हो जाएगा। पिंड विच गई हुण घर, महात्मा जदों ओह माँ पिंड वल तुरन लगी ना, महात्मा जी तों पुछ के सरों लैण दे लई जदों पिंड वल जा रही है, महात्मा जी ने आवाज़ मारी कहिंदे पर एक गल चेते रखी, सरों उस घर विच्चों लै के आई जिथे कदे कोई मौत ना होई होवे। आखो सतनाम श्री। वो चले गई पिंड विच, गई ते जाके सारा पिंड फिर लिया, महात्मा जी दे कोल आई ते खाली हाथ आई। महात्मा जी कहंदे एडा पिंड है ते तेनूं सरों कितों भी नहीं मिली एक बुक। कहंदी महात्मा जी मैनूं समझ आ गई है, मैनूं समझ आ गई। पिंड वाले कहंदे वी सरों दे ते असीं ढेर ला दईए तेरी पुत्तर दी खातर, पर ऐसा घर पिंड विच कोई नहीं जिहड़े घर विच कदे मौत ना होई होवे। आखो सतनाम श्री। साडे वड वडेरे उहनां दे वड वडेरे इह रीत चली आ रही है, दादे पड़दादे गांह दी गांह किन्नियां पीढ़ियां इह चली आ रही है, पता नहीं किन्नियां कि पीढ़ियां लंघ गईयां हन। ते कहंदी महात्मा जी मैनूं सोझी आ गई है वी इह मरना सच है, भी ऐसा कोई पिंड विच घर नहीं जिथे मौत ना होई होवे। सो प्यारी सत्संग जी मरना सच है। कई बारी आपां कह दिंदे हाँ भई ओ डाक्टर चंगा है, काश उस कोल लै जांदे, ओ इस रोग दा स्पैशलिस्ट सीगा, भई उन्हें ठीक कर देना सी, काश उत्थे लै जांदे। पर जदों मौत आउंदी है ना प्यारे, उदों दवाई भी कम नहीं करदी। आखो सतनाम श्री। जदों समा पूरा हो गया, उहदे हुक्म दा बुलावा आ गया उहदा, फिर दवाई मैडिसन भी असर नहीं जे करदी। जिहनूं उहने रखना है फिर वह दवाई भी असर करती है, मैडिसन भी असर करती है। तो सतगुरु जी भगत कबीर जी समझाते हैं, कहते कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार एक कबीरा ना मुआ, जे ना ही रोवनहार। भगत कबीर जी कहते भावें कोई किड्डा वड्डा डाक्टर है, रोगां दा माहर है, दुनिया नूं ठीक करता है, पर एक ना एक दिन ते उन्हें भी जाना है। आखो सतनाम। वैद है भावें रोगां दा माहर है, कहंदे एक ना एक दिन उन्हें भी जाना है, भावें रोगी है, रोगी ने तो जाना ही जाना है, उन्हें रोग लग्या है, चंगा भला भी चलिया जाता है, कोई पता नहीं, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं कदों कित्थे किस समय किद्दां आवेगी, ये कोई नहीं कह सकता। क्या जाना किव मरेंगे, सानू किहड़ा पता है। सत्कारयोग सरदार हरजीत सिंह जी साडे विचों चले गए ना, ते सानू पता है असी कदों मरना है, कोई पता नहीं, श्वास आना है दूजा नहीं आना वाहिगुरू जानदा है। पर सतगुरु जी ये जरूर कहंदे, कहंदे जेकर साहिब मनो ना विसरै, मरना ते सारिया ने है, जे रब चेते होवे सहला मरना होए, सौखा हो जाता है मरना। मरना सारिया ने, कई आप देखते हैं ना, सुनते हैं भी पाठ कर रहा सी, सवेरे नितनेम किया, प्रशादा छकिया, तो पता ही नहीं लग्या, सुत्ता ही रह गया, ये सौखी मौत है। तो कई देखते हैं हस्पतालों, कई सड़क के मरण वर्ण में फर्क है ना, जे रब चेते होवे ते मरना सौखा हो जाता है, जाना सब ने है। बनारस दे विच हीरा घाट नदी वगदी है, बनारस दे विच उस नदी दे किनारे एक शमशान घाट है, जिथे कबरां ने
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਫਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੱਟੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਵੇ ਚੱਲਦੇ ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਘਰ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਹ ਛਡਾਈ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।
पाठ दे विच अमृत वेले ताई गुरु ने अमृत वेले नूं महानता बख्शी है। तो भगत कबीर जी कहन लगे, माँ जदों मैं घर समाधि ला के बहिंदा हाँ तो मेरी दिमाग दे विच घर दे कारोबार घूमन लग पैंदे ने ते मैं मेरी समाधि टुट जाती है। माँ कहन लगी, कहिंदी समाधि टुट जाती है तो फिर इत्थे क्यों आके बहिंदा है। कहिंदा माँ इत्थे आके जदों मैं समाधि ला के बहिंदा हाँ तो मेरी अख खुलदी भी है तो मैनू सामने दिखदी है चिखा तो फिर मेरे मन विच्चों आवाज़ आउंदी है कहत कबीर सुनो मन मेरे। मेरे मन विच्चों माँ आवाज़ आउंदी है कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएगे तेरे। ऐ कबीर एक ना एक दिन हाल तेरा भी यही होना है। आखो सतनाम श्री। जदों मेरी समाधि इत्थे टुटदी है मैनू चिखा दिखदी है फिर मेरा मन जुड़ जांदा है कबीर किन्ना खाएगा किन्ना हंडाएगा किन्ना कमाएगा किन्ना जोड़ेगा एक ना एक दिन तेनू भी चार जाणिया ने इत्थे ही सुट जाना है। आखो सतनाम श्री। फिर मेरी समाधि जुड़ जाती है। माँ ने घुट के छाती नाल लाया, पुत्र तू तो हले बच्चा है कैसियां गल्लां करदा है, तू तो हले नौजवान होना है, तेरा विआह होना है, कदों तू बजुर्ग होना है। माँ ने छाती नाल लाया प्यार कर लगी, कबीर तू कैसियां गल्लां करदा है। कहन लगे कबीर जी कहन लगे, माँ ये मौत उम्र थोड़ी वेखदी है, तू उम्र नूं वेखदी है क्योंकि तू माँ है, पर उम्र मौत नहीं वेखदी भी ये बच्चा है ये ते तरस करा ये बजुर्ग है नौजवान है। माँ मौत कदे किसी का लिहाज नहीं जे करती। तो फिर माँ कहन लगी, फिर की करिए की करना चाहिए है। भगत कबीर जी कहन लगे, माँ जिन्ना तक दुनिया ते रहिए बस परमात्मा दियां गल्लां करदे ते सुनदे रहिए। आखो सतनाम श्री। करदे ते सुनदे भाव बाणी पढ़ी ते पढ़दे ते सुनदे रहिए, गुरु दे गुण गाते रहिए ते फिर ये जन्म सफला हो जावे, कारोबार भी सफले ते ये जन्म भी सफला हो जाता है जदों रब चेते होवे। आना भी सफला ते जाना भी सफला हो जाता है जदों रब चेते होवे। सो भगत कबीर जी ने यह उपदेश दिता भी जिन्ना तकर दुनिया ते रहिए वाहिगुरु दे गुण गाते रहा करिए। आओ